वेलकम बैक टू ऑल एक्सप्लोर फिजिक्स ऑनलाइन कोर्स। ओके, तो आज का जो ये अपना लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन है अपना ऑनलाइन कोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, साथ में जो पेपर का पैटर्न क्या होता है सीएसईआर नेट का, इसके बारे में है आपके पास में। ओके, तो चलिए अपन देखते हैं इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि अपन जो ऑनलाइन कोर्स है वो कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, पहले कौन से सब्जेक्ट देखेंगे अपन। ओके, उसके बाद अपना कोर्स कैसे अपन आगे बढ़ाएंगे, कैसे कब तक अपना कोर्स फिनिश होगा, ठीक है, कैसे कैसे टेस्ट होंगे, असाइनमेंट किस तरह से होंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। साथ में पेपर को अपने को इस सिलेबस को किस तरह से पढ़ना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें आज अपन इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, कल से जो है 26 नवंबर 2020 से तुम्हारा प्रॉपर वे के अंदर कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ओके, डेली के तुम्हें अभी मैं पैरेलल में दो सब्जेक्ट चला रहा हूं। ओके, तो वो सारी चीजें जो है आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा। ओके, ठीक है, देखिए इधर सबसे पहले ये बात बिल्कुल माइंड में रख लीजिए, क्लियरली सुन लीजिए। ओके, जो भी मुझे अभी ज्वाइन कर चुका है और आगे ज्वाइन करेगा, ओके, जैसा मैं बोलूंगा वैसे आपका करना होगा। ओके, जिस तरह से मैं बोलूंगा कि आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, आज ये करना है, कल वो करना है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। ओके, बीच में तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा डाइवर्जन होगा, मैं बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, बीच में तुम्हारे लिए डाइवर्जन होगा। कहने का मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स, ठीक है, या तुम्हारे जानकार जो भी हैं, इस तरह से नहीं, इस तरह से तैयारी करो, इस तरह से तैयारी करो, ठीक है, तो बीच में तुम्हें डाइवर्जन मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे मैं बताऊंगा वैसे करना है, अगर तुम वैसे करे तो तुम्हारा रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर नहीं करते हो तो फिर मेरा कोई वो नहीं है। ओके, चलिए, तो ज्वाइन करने से पहले बिलीव कीजिए मुझ पर या फिर ज्वाइन मत कीजिए। ओके, ऑलरेडी और बहुत सारी कोचिंगें हैं, आप वहां पे जाके ज्वाइन कीजिए, फीस मैंने बता रखी है, ठीक है, फीस उससे कम नहीं होगी, है ना, उसी फीस में किसी को ज्वाइन करना है तो मुझसे बात कीजिए। ओके, ऑलरेडी बहुत सारी कोचिंगें हैं, वहां पे बात कीजिए, वहां पे फीस कम हो जाएगी आपकी, वहां पे 30,000 है तो 15,000 में भी ले लेंगे, यहाँ पे यही फीस रहेगी, मैंने पहले के लेक्चर में इसकी फीस वगैरह जो भी है वो बता रखी है, ठीक है। तो चलिए अपना सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो नेट का पेपर पैटर्न है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न क्या है नेट का वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो देखिए देखिए भाई, पेपर पैटर्न क्या है, तुम्हारे पास जो नेट का फिजिकल साइंस फिजिक्स का जो पेपर आता है वो 3 पार्ट का होता है, ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से, 3 पार्ट्स का होता है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम दे चुके हैं उनको तो पता है, लेकिन कुछ नए स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता है, उनके लिए मैं बना रहा हूं ये, है ना, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, पार्ट सी। ओके, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए जो होता है वो होता है रिसर्च एप्टीट्यूड का, रिसर्च एप्टीट्यूड का, ठीक है। पार्ट बी जो होता है तुम्हारे पास ये फिजिक्स का होता है, ठीक है। पार्ट सी भी तुम्हारे पास किसका होता है, फिजिक्स का होता है, ये भी तुम्हारे पास किसका होता है, फिजिक्स का होता है। पार्ट ए, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स का, ठीक है ना, 2 मार्क्स का तुम्हारे पास में ईच क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन तुम्हारे पास 2 मार्क्स का होता है, यहां पे 3.5 मार्क्स का होता है, या इसको मैं लिख देता हूं 3.5 मार्क्स का। ओके, यहां पे तुम्हारे पास में ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क, ठीक है, 5 नंबर का तुम्हारे पास में एवरी क्वेश्चन कैरीज, ठीक है, एवरी क्वेश्चन कंटेन 5 मार्क। ओके, चलिए इसके बाद देखिए यहां पे ये पार्ट सी होता है, कहने का मतलब पार्ट बी तुम्हारे पास टोटली फिजिक्स का, पार्ट बी और पार्ट सी फिजिक्स का होता है, पार्ट ए तुम्हारे पास में रिसर्च एप्टीट्यूड बोले, है ना, जनरली तुम्हारे पास कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो अपना जो कोर्स रहेगा वो बेसिकली इस पे डिपेंडेंट है, अपन पूरी इसकी तैयारी करेंगे। इसके लिए मैं आपको कुछ लेक्चर सजेस्ट करूंगा, कुछ बुक सजेस्ट करूंगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयारी करनी है। ओके, बाकी बताऊंगा पार्ट ए की कैसे तैयारी करनी है, तैयारी तुम्हें ही करनी होगी। ये जो मेरा ऑनलाइन कोर्स है एक्सप्लोर फिजिक्स का, उसमें मैं पूरी फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा तुम्हें। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सर आप रिसर्च एप्टीट्यूड नहीं पढ़ाओगे क्या, तब तो हम आपका कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे। अरे भाई, तुम्हारा फोकस फिजिक्स पे होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कहीं पे रिसर्च एप्टीट्यूड करवा रहे हैं उसके चक्कर में तुम फिजिक्स को जो है भूल जाओ, है ना। तो कहीं भी ज्वाइन करो, मैं नहीं बोल रहा मुझे ज्वाइन करो, फर्स्ट तुम्हारा जो है मोटिव होना चाहिए कि फिजिक्स कैसी पढ़ाई जा रही है वहां पे, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स से आप सेटिस्फाइड हो तो वो कोर्स ज्वाइन कीजिए, इसका लालच मत देखिएगा। ओके, चलिए ये हो गया तुम्हारे पास में। अच्छा, पेपर में क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं,
मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने कितने आते हैं इसमें, तुम्हारे पास में टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इस पार्ट ए में। पार्ट बी में तुम्हारे पास जो है टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। पार्ट सी में तुम्हारे पास जो है टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 150। ओके, ईच क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 87.5। ओके, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो कितना हो जाएगा, 40। हाँ भाई, कितना हो गया टोटल तुम्हारे पास में, 150 एंड 40 कितना हो गया, 190, 87.5 टोटल तुम्हारे पास ये हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 277.5 मार्क्स। इतने मार्क्स का तुम्हारे पास पेपर आता है। ओके, चलिए उसके बाद मैं बात करूं मैक्सिमम अटेम्प्ट, मैक्सिमम अटेम्प्ट क्वेश्चंस, ठीक है, मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो आप। पार्ट ए में 15 है ना, 20 क्वेश्चंस आ सकते आते हैं, उसमें तुम्हें मैक्सिमम तुम 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा, 30। इसमें 20 क्वेश्चन मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, 70। ओके, इसमें तुम्हारे पास में मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें 20 क्वेश्चन इसमें भी अटेम्प्ट कर सकते हो, 30 में से 20 बहुत ज्यादा नहीं है, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। तो कितना हो गया भाई, 730, 100, 100 प्लस 100, 200। ओके, तो देखो देखो ध्यान से, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से चलोगे तो नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना आसान है। ओके, टफ नहीं है नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना, लेकिन स्टूडेंट प्रॉपर स्टडी से चलते ही नहीं है, जो पढ़ते हैं वो पढ़ के चले जाते हैं और पेपर जैसे गए वैसे पेपर दे के आ जाते हैं, ऐसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता भाई। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास जो टोटल पेपर होगा वो 277.5 मार्क्स का होगा। ओके, उसमें से तुम्हें मैक्सिमम कितने क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना होता है, 200 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं कट ऑफ का बात कर लेता हूं, है ना, कट ऑफ को, कट ऑफ की बात कर लेता हूं। ओके, चलिए अपन जब कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल की मैं बात कर लेता हूं पहले, जनरल की, ठीक है, मैं बात करता हूं एलएस, एलएस लेक्चरशिप की। ओके, जेआरएफ की उसमें 10 नंबर लगभग ऐड कर लेना, 8 से 10 नंबर तुम्हारा जेआरएफ का कट ऑफ रहेगा। ओके, जनरल, ठीक है, ओबीसी और तुम्हारे पास में एसटी जो भी है ना, अपन जनरल, ये अपन जनरल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे मैक्सिमम कट ऑफ जो है, ये मान के चलिए अगर पेपर बहुत आसान भी आता है, ठीक है, तो भी तुम्हारे पास में 90 to 100, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी नेट की। ओके, जनरल की बता रहा हूं मैं, एलएस की। ओके, तो देखो तुम्हारे पास में 280, इसको मैं लगभग 280 मान लू, इसको 280 मान लू, तुम्हारे पास में 280 मार्क्स का पेपर है और कट ऑफ कितनी जा रही है तुम्हारे पास में, 90 से 100। ठीक है, तो ये नंबर लाना बहुत कठिन नहीं है। कब कठिन नहीं है, जब तुम प्रॉपर स्ट्रेटेजी से तैयारी करो। ओके, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से अपनी जो प्रिपरेशन करो। ओके, अगर तुम प्रॉपर स्ट्रेटेजी से नहीं करके सीधा, ठीक है, ज्वाइन कर लिया कोर्स, अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो, एग्जाम देके आगे, तो ऐसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है ना, तो ये अपना नेट का पेपर पैटर्न यही होता है। ओके, कुछ चेंज होगा इस बार जैसा भी है तो मैं बताऊंगा, बाकी काफी टाइम से यही चलता आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं अपन सब्जेक्ट्स की, टोटल कितने सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास नेट में आते हैं। ओके, चलिए देखते हैं इधर, देखिए इस कट ऑफ को कैसे पार किया जाता है ना, इस कट ऑफ को कैसे पार किया जा सकता है, एग्जाम को क्वालिफाई कैसे किया जा सकता है, वो देख लीजिएगा ध्यान से एक बार। देखो इधर अपने पास टोटल फिजिक्स की है ना, जो सिलेबस जो डिजाइन किया गया है, फिजिक्स की 9 सब्जेक्ट तुम्हारे पास डिजाइन की गई है। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट है तुम्हारे पास में क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, सेकंड है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्ड है तुम्हारे पास में मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक है, फोर्थ है तुम्हारे पास में ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, फिफ्थ है तुम्हारे पास में थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स, ठीक है, सिक्स्थ है आपने पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यानी कि ईएमटी, ठीक है, सेवन्थ है आपके पास में सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एट है आपके पास में न्यूक्लियर फिजिक्स एंड नाइन है आपके पास में एटॉमिक
एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, मॉलिक्यूलर फिजिक्स ये है तुम्हारे पास में। ये तीनों सब्जेक्ट जो है पार्ट सी में पूछी जाती है, पार्ट सी में, ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट। और जनरली क्या होता है, ईच सब्जेक्ट इन तीनों में है ना, ईच सब्जेक्ट कंटेन थ्री क्वेश्चंस, थ्री क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, ईच सब्जेक्ट थ्री क्वेश्चंस है तो टोटल तीन सब्जेक्ट कितने हो जाएंगे, नाइन क्वेश्चंस, तीन ये और कितना इंटू फाइव कितना हो जाएगा, 45 मार्क्स का तुम्हारे पास में जो है ये वाला सब्जेक्ट आता है। ओके, चलिए अब देखिए यहां पे देखिए तुम्हारे पास में क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूं कट ऑफ को देखो कैसे आसानी से पार किया जा सकता है। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर सबसे पहली बात आती है क्वांटम मैकेनिक्स में पार्ट सी में जनरली, है ना, पिछली बार नहीं हुआ था, मतलब दिसंबर 19 में ऐसा नहीं हुआ था, बट जनरली तुम्हारे पास क्या होता है पार्ट सी में क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, है ना, पार्ट बी एंड पार्ट सी की बात कर रहा हूं भाई, है ना, पार्ट सी की बात कर रहा हूं। ओके, जनरली क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में पार्ट सी में, है ना, पार्ट सी की पहले बात कर लेते हैं एक बार। पार्ट सी के अंदर तुम्हारे पास लास्ट के चार टॉपिक का मैं नाम ले रहा हूं, सुनना ध्यान से, वेरिएशनल मेथड, डब्ल्यू के बी, पर्टर्बेशन, स्कैटरिंग। ओके, इस बार भी मैंने बोला था ये चार टॉपिक अच्छे से कर जाना, मिनिमम दो क्वेश्चंस आएंगे, नहीं तीन मिल सकते हैं और चारों भी मिल सकते हैं टॉपिक के, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास स्कैटरिंग से क्वेश्चन आया था, बोन अप्रोक्सीमेशन का बहुत आसान क्वेश्चन था, एक तुम्हारे पास में पर्टर्बेशन थ्योरी का क्वेश्चन आया था तुम्हारे पास में, है ना, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इन ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दो दो मिनट की कैलकुलेशन, 2 मिनट भी नहीं लगती तुम्हारे पास में, ठीक है, 5 मार्क्स में, ठीक है। तो ये मान के चलिए क्वांटम मैकेनिक्स में दो टॉपिक तो वहां से, इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम, हाइड्रोजन एटम, हार्मोनिक ऑसिलेटर, है ना, पोटेंशियल प्रॉब्लम, ओके, ये अगर एक ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, तो कहने का मतलब 3 से 4 क्वेश्चंस, मतलब लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, 4 क्वेश्चंस मान के चलिए, तो लेकिन फिर भी तुम आसानी से 2 क्वेश्चंस यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 क्वेश्चंस क्वांटम मैकेनिक्स में आते ज्यादा हैं, सुनना, आते कम से कम 4 क्वेश्चंस हैं, आप 2 क्वेश्चन आसानी से यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, इसके बाद आता है क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स से जो पार्ट सी में आता है वो बता रहा हूं मैं। एक तो फेज ट्रजेक्टरी से क्वेश्चन आता है जो कि इस बार पार्ट बी में पूछा गया था। ओके, एक तुम्हारे पास में कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइजन ब्रैकेट, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और इसके अलावा तुम्हारे पास जनरेटिंग फंक्शन, ओके, ये कुछ टॉपिक्स है वहां से, तुम ये मान के चाहिए क्लासिकल मैकेनिक्स में या फिर हैमिल्टोनियन से क्वेश्चन, है ना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन तुम एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन आप यहां से आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो बता रहा हूं जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल एनी न्यूमेरिकल एनालिसिस, हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार आया था और मैंने बिल्कुल सिंपल सा तुम्हें क्वेश्चन भी बताया था, है ना, और ट्रेपेजॉइडल से तुम्हारे पास में क्वेश्चन भी आ गया। ओके, एक तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें यहां से, ठीक है, इसके बाद में तुम्हारे पास में लाप्लास फूरियर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से तुम्हारे पास में जो है एक ग्रीन फंक्शन से भी क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आया था। ओके, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी मिलते हैं, तुम कुछ नहीं करना, तुम्हें एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस से तो लगा सकते हो ना। चलिए उसके बाद अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के देखो इस बार भी ओपेम का क्वेश्चन आया था, ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास में एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से काउंटर वगैरह ये पूछ सकता है, रजिस्टर काउंटर, है ना, यहां से फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन पूछता है, तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से एक तो एनालॉग से उठा लो, एक डिजिटल से, ओके, तो 2 क्वेश्चन तो आसानी से यहां से कर सकते हो। इसके बाद देखो थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टेटिस्टिकल फिजिक्स से, ओके, थर्मोडायनेमिक्स से आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन आता कहां से है वो बता दूं मैं आपका। थर्मोडायनेमिक्स से जो है तुमने पढ़ा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, मतलब लिक्विफिकेशन ऑफ गैस वाला टॉपिक, ओके, उसके अंदर कैसे निकालते हैं, मैंने 2 मेथड बताए हुए हैं, डायमेंशनल एनालिसिस से भी, और एक दूसरा मेथड जो प्रॉपर मेथड होता है ना, तीसरा भी बता देंगे तुम्हें, ओके, वहां से क्वेश्चन मिलता है तुम्हें। स्टेटिस्टिकल फिजिक्स से तुम्हारे पास में कम से कम 2 क्वेश्चन तो पार्टीजन फंक्शन से मिलते ही मिलते हैं, और भी टॉपिक्स हैं वहां से भी, तो ये मान के चलिए 4 क्वेश्चन तो कम से कम यहां से पूछते हैं, तो तुम 2 क्वेश्चन तो तुम आसानी से यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हो, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, ईएमटी के अंदर मैं जनरली ईएम वेव की बात करूं तो कम से कम तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंने इस बार जो है टाइम नहीं था इसलिए मैंने क्रैश कोर्स का लेक्चर बना दिया था, क्रैश कोर्स टाइप का, क्योंकि वहां से आप थोड़ा सा लेक्चर देख के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और देखो 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए थे ईएम वेव के, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछी थी, एक एसटीआर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, वहां से क्वेश्चन आया था, तो आप आसानी से यहां से क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये मान के चलिए 3 क्वेश्चन आते हैं और साथ में
इलेक्ट्रोस्टेट या मैग्नेटोस्टेट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो चार क्वेश्चन तो तुम्हें मिलेंगे यहाँ पे, तो वहां पे से तुम आसानी से दो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके चलिए, उसके बाद सॉलिड में तीन, न्यूक्लियर में तीन, एटॉमिक में तीन, ठीक है। नौ क्वेश्चन आते हैं, नौ में से तुम कभी तो तुम्हारा ऐसा भी होगा कि तुम नौ के नौ अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लो बाई चांस हो सकता है इसमें दो क्वेश्चन नहीं कर पाए, लेकिन इसमें तीनों कर पाए, इसमें तीनों कर पाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अपन एवरेज क्या लगाते हैं, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, तो कितने हो गए तुम्हारे पास में, इन तीनों के मिला के दो दो दो, छह क्वेश्चन हो गए। ओके तो देखिए, ऐसे पार्ट सी में ऐसे बता रहा हूं, ऐसे टॉपिक्स मैंने बताए हैं जहां से आप क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है इसमें तुम एक भी ना कर पाओ, इसमें तीनों कर लो, तीनों इसमें, तीनों इसमें, ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जब एग्जामिनर जो है पेपर को तैयार करता है ना, वो इसी तरह से पेपर को तैयार करता है कि तुम्हारी जो पेपर जो है कुछ क्वेश्चन टफ रहेंगे, कुछ क्वेश्चन आसान रहेंगे। ओके और इसी तरह का पेपर हर बार आता है। तो देखो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 कितने क्वेश्चन हो गए, 16। ये वो क्वेश्चन हैं, वो टॉपिक्स मैंने बताए हैं जो कि तुम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। 16 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 80। कोई बात नहीं, 16 नहीं सर, पेपर जो है आप बता रहे हो वैसे नहीं आया पेपर, है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हारे पास खराब क्वेश्चन आए थे। यहां से मान लो मैंने बता दिया सर स्कैटरिंग से क्वेश्चन जो है हमसे नहीं हुआ, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, 16 नहीं तो 15 मान लो, 14 मान लो, 13 मान लो, 12 मान लो, इससे कम तो नहीं है ना, 12 क्वेश्चन तो है मिनिमम, टोटल 16 है, यहां से तुम 12 क्वेश्चंस तो तुम्हें मिनिमम अटेम्प्ट करने ही है और हो जाते हैं आसानी से। अगर तुमने यहां पे जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए, मेरे लेक्चर देख लिए, अगर तुम अच्छे से कर लो तो 12 क्वेश्चंस तो आसानी से तुम्हारे अटेम्प्ट हो जाएंगे। ये इस वाले जो बैच था फर्स्ट बैच, उसमें स्टूडेंट को पता लग गया होगा, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन तो तुम आसानी से पार्ट सी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके तो देखो ये मिनिमम बताया है मैंने, और भी कर सकते हो तुम, ठीक है। तो 12 × 5 60 नंबर को आपको यहां से लेनी है। ओके बाकी तुम्हें अटेम्प्ट तो ज्यादा करने हैं, ये तो मैंने वो बताया कि 12 तो तुम्हारे सही सही बनेंगे बनेंगे। ओके और भी ऐसा कुछ क्वेश्चन डायमेंशन से आ जाते हैं, आप डायमेंशन से लगा सकते हो, ठीक है। और भी कुछ टॉपिक्स मैंने एक दो छोड़ दिए होंगे, वहां से भी इजी क्वेश्चन आते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। ओके चलिए पार्ट बी की बात करता हूं। पार्ट बी में क्वांटम मैकेनिक्स में सीधा सा है, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ जाओ, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में एक या दो क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। एंगुलर मोमेंटम है ना, इजी टॉपिक बता रहा हूं मैं, 1D बॉक्स, ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेटर्स के अलावा तुम्हारे पास में जो है कम्यूटेशन रिलेशन, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, हाइड्रोजन एटम, मतलब यहां से इतने सारे टॉपिक्स है, तुम्हारे चार क्वेश्चन बनते हैं पार्ट बी में, ठीक है। चार में से आप दो तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो आसानी से। ओके आसानी से कर सकते हो ये। क्लासिकल मैकेनिक्स में देखो स्मॉल ऑसिलेशन, ओके हो सकता है इस बार नहीं आया हो, लेकिन जो जनरल पूछे जाते हैं वो बता रहा हूं मैं, ठीक है, स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है। इसके अलावा एसटीआर, स्पेशल फील्ड ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास स्मॉल ऑसिलेशन में दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ओके इसके अलावा तुम्हारे पास में जो है सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, ओके इसके अलावा तुम्हारे पास और भी टॉपिक्स हैं तुम्हारे पास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड तुम्हारे पास क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, पीआई है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास जो है इसमें एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स, आजकल जब एसटीआर जब एनटीए जब से एग्जाम लेने लग गया नेट की, तब से न्यूटोनियन मैकेनिक्स वो देने लग गए, ठीक है। तो अपन इसका भी कुछ पार्ट पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब तीन से चार क्वेश्चन आते हैं, आप कुछ नहीं दो क्वेश्चन तो आसानी से यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो। मैथमेटिकल फिजिक्स देखो मैट्रिक्स का इस बार 5 नंबर में बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, बाकी पार्ट बी में आता है जनरली वो। ओके मैट्रिक्स का क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन का, लाप्लास फूरियर का, ठीक है, और तुम्हारे पास में और कौन से बच गए, मैथमेटिकल वेक्टर एनालिसिस का। कहने का मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, आप यहां से आराम से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के, डिजिटल का एक या दो तो मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है, दो मान के चलिए डिजिटल के, एनालॉग के भी दो मान के चलिए कम से कम। तो यहां से 4 क्वेश्चन मान लिए, 4 से तुम 3 या 2 तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स से 2 क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे, स्टैटिकल फिजिक्स से 2 क्वेश्चन मिलेंगे मिलेंगे, ठीक है। तो 4 में से आप 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो, ये पार्ट सी में आता है। टोटल कितने हो गए, ये वो है जो मिनिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके 4, 6, 8, 10, 13, ठीक है, ये तो मिनिमम तुम्हें इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही है। हो सकता है दूसरे बहुत सारे टॉपिक्स और भी तो हैं, है ना, वहां से भी तुम्हारे पास क्वेश्चन इजी आ जाए तो वो अटेम्प्ट कर सको तुम, ये तो मिनिमम है। कभी कभी तो ये होता है पार्ट में पूरे 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहां पे इसको मल्टीप्लाई करो 3.5 से, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 39 और 6.5 तुम्हारे पास में 45.5, ठीक है। पार्ट ए की मैं बात करूं तो पार्ट ए में हर बार
इस बार भी टफ था थोड़ा। पार्ट ए मुझे स्टूडेंट्स टफ बता रहे हैं, मैंने तो देखा भी नहीं। ओके तो पार्ट ए में तुम्हारे पास इतने मतलब 6 से 7 क्वेश्चंस इतने एग्जामिनर देता है कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आप एवरेज बहुत कम लगा रहा हूं मैं, 5 क्वेश्चन तो पार्ट ए में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। कई ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि 15 के 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, उनके सही भी जाते हैं। ओके तो 5 क्वेश्चन भी करते हैं तो 5 × 10 10 नंबर बनते हैं। तो देखो कितना हो गया, 45.5 and 10, तो कितना हो गया तुम्हारे पास 70। 70 और 40 तुम्हारे पास में, कहने का मतलब 115.5, 115 नंबर का तो आप आसानी से, इतने नंबर तो आप आसानी से ला सकते हैं नेट के एग्जाम में अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ आप चलते हैं तो। ओके ऐसा नहीं जैसे पढ़ रहा है उठ के चले गए एग्जाम दे के आ गए, ऐसा नहीं होगा भाई, है ना। फिर तो चाहे आप 200 नंबर का अटेम्प्ट कर दो फिर भी तुम कट ऑफ को पार नहीं कर पाओगे, है ना। ये तो वो है जो मैंने मिनिमम लिए हैं ये। ओके मिनिमम पार्ट में मैंने 5 5 क्वेश्चन ही लगाए हैं, ठीक है। तो तब है तब तुम्हारे पास में मिनिमम मैंने लगाए हैं। ओके तो ये तुम्हारे पास में एग्जाम्स क्वालिफाई करने का, कट ऑफ का तुम्हारे पास में पार करने का तुम्हारे पास में तरीका है, आसान सा तरीका, ठीक है। स्ट्रेटेजी से और भी चीजें मैं बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, कैसे तुम अपना एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। ये तो नेट का है, ऐसे ही मैं गेट का बनाऊंगा। ओके ऐसे ही मैं बीएआरसी का बनाऊंगा, वो सब जो है तुम्हारे पास में वेबसाइट पे मिलेंगे वीडियोस। ओके चलिए अब देखते हैं आगे इसकी, किसी को नोट करना है तो कर लीजिए भाई ये नोट। ओके चलो अब अपन जो है थोड़ा सा ऑनलाइन, अपना जो ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है, अपन किस तरह से कल से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें किस तरह से पढ़ाई करेंगे, ठीक है, किस तरह से तुम्हारे पास में लेक्चर्स आएंगे, किस तरह से अपन प्रॉपर वे के अंदर जो है टाइम पे कोर्स किस तरह से करेंगे, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ओके चलिए भाई देखिए, अब मैं बात करता हूं ऑनलाइन कोर्स की, ठीक है। अपना जो ये पेपर पैटर्न तो हो चुका, ठीक है, अब एक्सप्लोर फिजिक्स का जो ऑनलाइन कोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। ओके जो 26 नवंबर से जो तुम्हारे यानी कल से तुम्हारे पास जो लेक्चर्स आएंगे, ओके डेली तुम्हारे पास में पर डे, है ना, पर डे तुम्हारे पास में 2 लेक्चर आएंगे, 2 लेक्चर्स आएंगे। ओके सब्जेक्ट 2 ही स्टार्ट होंगी, पहले मैं फर्स्टली मैं क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहा हूं और सेकंड में तुम्हारे पास में न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। ओके एक थोड़ी सी हैवी सब्जेक्ट एक थोड़ी सी लाइट सब्जेक्ट। ओके क्वांटम फिजिक्स के तुम्हारे पास 45 लेक्चर्स तो वो हैं जो कि टॉपिक वाइज लेक्चर हैं। ओके और न्यूक्लियर फिजिक्स के तुम्हारे पास में लगभग 22 से 23 लेक्चर्स हैं। ओके 22 से 23 लेक्चर्स ऐसे कुछ हैं। ओके सभी टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कंटेन करेगा क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अलावा कुछ इसमें 7 से 8 लेक्चर 9 लेक्चर और बनेंगे। टॉपिक्स तो तुम्हारे कंप्लीट हैं लेकिन जैसे मैंने असाइनमेंट दे दिया उसके सॉल्यूशंस इसमें ही ऐड करूंगा। ओके टेस्ट जितने भी होंगे, है ना। अच्छा ध्यान रखना पर डे तुम्हारे पास में 2 लेक्चर्स आएंगे। ओके साथ में तुम्हारा टॉपिक वाइज टेस्ट होगा भाई। ओके तुम्हारा जो है टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब क्या है, टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब जैसे मान लो तुमने ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स पूरी कर ली, ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, तो इसका एक टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में मान लो तुम्हारे पास में जो है ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स के बाद में बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स तुमने कर ली उसका तुम्हारे पास में एक टेस्ट होगा। ओके उसके बाद में तुम्हारे पास में मान लो तुमने पोटेंशियल प्रॉब्लम पढ़ लिया, पोटेंशियल प्रॉब्लम पढ़ लिया, ठीक है, इसका तुम्हारे पास में कम से कम 2 टेस्ट होंगे क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल प्रॉब्लम के अंदर 1D बॉक्स भी आ जाता है ना, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर भी आ जाता है, सेमी इनफाइनाइट जहां से इस बार क्वेश्चन आया था वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब टॉपिक आ जाता है। ओके हार्मोनिक ऑसिलेटर भी आ जाता है, डिराक डेल्टा भी आ जाता है, तो कुछ 4 5 टॉपिक्स को कवर करेगा, इसलिए अपन इसके 2 से 3 टेस्ट ले लेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं तो ठीक है। उसके बाद में अपना जो है मान लो मल्टी डायमेंशनल, ओके या फिर बाद में अपन बोले मल्टी डायमेंशनल पोटेंशियल आ गया और आइडेंटिकल पार्टिकल्स का एक साथ टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद में अपन हाइड्रोजन एटम एंगुलर मोमेंटम का एक साथ टेस्ट ले लेंगे। फिर एडवांस्ड क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन वेरिएशनल स्कैटरिंग, है ना, और ये तुम्हारे डब्ल्यू के बी, इनका एक साथ टेस्ट ले लेंगे। तो टॉपिक वाइज तुम्हारे पास इस बार टेस्ट होंगे, उनके सोल्यूशन भी मिलेंगे। ओके साथ में फिर जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स पूरी हो जाएगी उसका एक टेस्ट ले लेंगे तुम्हारा। ओके वो नेट के बेसिस पे भी लेंगे। ओके और तुम्हारा जो है नेट के लिए भी होगा और गेट के लिए भी होगा, है ना, अलग अलग एग्जाम जो होंगे अलग अलग उनके बेसिस पे टेस्ट लिया जाएगा। ओके तो ये तुम्हारे पास में जो है टेस्ट का शेड्यूल रहेगा। डेली आपको 2 लेक्चर दूंगा,
पहले अपन क्वांटम मैकेनिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जितने भी टेस्ट होंगे उनके सॉल्यूशंस, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के टेस्ट हो रहे हैं उनके सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, 46, 47, 48, ओके। पीडीएफ जो है वो भी आपको वेबसाइट में ही मिलेगी इनके सॉल्यूशंस की, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स जो है तुम्हारे पास में इतने लेक्चर्स हैं, अब जैसे जैसे तुम्हें सॉल्यूशंस करूंगा असाइनमेंट के, है ना, उनके सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पे अप्लाई ऐड करता जाऊंगा, ओके। असाइनमेंट का हुआ, टेस्ट का हुआ, मैं यहाँ पे ऐड करता जाऊंगा, तो पता नहीं कितना 30, 35, 40 इतने लेक्चर बनेंगे, बन जाएंगे तुम्हारे पास, ओके। बस तुम्हें तो मेहनत करनी है, मैं मेहनत करूंगा और तुम्हें साथ में मेहनत करनी है, फिर भाई चाहे कोई भी एग्जाम हो अपन आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, चाहे वो नेट का हो, गेट का हो, जेस्ट का हो, बार का हो, टीएफआर का हो, या फिर कॉलेज लेक्चर का हो, या फिर पीएचडी एंट्रेंस रिलेटेड हो, या फिर तुम्हारे पास में टफल का एग्जाम हो, जीआरई का एग्जाम, कुछ भी एग्जाम हो, अपन सब एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेंगे। बस तुम्हें क्या करना है, जैसे मैं बताता रहूं वैसे वैसे करना है, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं। अच्छा, ये अपना जो सेशन है ना, ये वाला दिसंबर टू जून है ना, दिसंबर टू जून वाला जो सेशन है ना, ये जो पूरा है, पूरा एग्जाम वाली, ऐसे मान लो एक तरह से लाइन लग जाती है एग्जाम की, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं, गेट का एग्जाम होगा फेब के अंदर, फिर जेस्ट का एग्जाम होगा, ठीक है, फिर बीएआरसी का एग्जाम होगा, कई बच्चे एमएससी का भी एग्जाम दे रहे हैं, एमएससी का भी एग्जाम होगा, उसके बाद में तुम्हारे पास नेट का एग्जाम होगा, और भी तुम्हारे पास एग्जाम्स आते हैं इसके अंदर, यूपीएससी वाले एग्जाम्स भी आते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, जो कंबाइंड जो जियो साइंटिस्ट वाला एग्जाम होता है वो भी इसके अंदर आता है, और भी तुम्हारे पास जैसे उस गेट से जो रिलेटेड एग्जाम्स हैं, जैसे ओएनजीसी, आईओसीएल वगैरह इंटरव्यू जो है वो भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो वो अपन, ये जो सेशन है पूरा एग्जाम्स का है, ओके। तो इस सेशन में बिल्कुल सब कुछ भूल जाइए, है ना, थोड़े 6 महीने के लिए सब कुछ भूल जाइए, जस्ट अपना फोकस कीजिए स्टडी पे, क्योंकि अगर ये 6 महीने आप अच्छे से तैयारी कर लिए ना, ये मान के चलिए तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर है, तुमने तुम मतलब तुम्हारी लाइफ जो है ना वो एक अच्छी, बहुत मजा आएगा तुम्हारी लाइफ के अंदर, ओके। लेकिन ये तुमने 6 महीने खराब कर दिए ना, तो फिर बाद में भाई टाइम देखो ऐसा नहीं होता, तुम्हारे पास में एक टाइम का यूटिलाइज करना सीखो, ओके। ऐसा नहीं है कि जो तुम मैंने बता दिया, हाँ ठीक है सर ने बता दिया तो अपन कर लेंगे, वो सब नहीं होना चाहिए, ओके। प्रॉपर वे के अंदर तुम्हें तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये सेशन ध्यान रखना। अच्छा, अपना जो लेक्चर जो रहेंगे वो बता दूं थोड़ा सा, मैं अपनी जो लेक्चर रहेंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुका, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे भाई, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो, अब इसका मान लो कोई बच्चा एमएससी कर रहा है, ठीक है, अब एमएससी में वो मान लो उसके एग्जाम्स आ गए, तो एग्जाम्स की भी तैयारी करेगा ना, अब जिस टाइम वो लाइव अगर क्लास लेगा, मान लो कल एग्जाम है, अब मैं तो ऐसा तो है नहीं तुम्हारी एग्जाम है तो मैं क्लास छोड़ दूंगा, क्लास तो रहेगी तुम्हारी, अगर मैं लाइव क्लास लूंगा तो क्या तुम वो टॉपिक कर पाओगे, एक बार टॉपिक छूट जाएगा ना तो फिर आप नहीं कर पाओगे। तो ये ऑफलाइन क्लास में भी ऐसा होता है, मान लो तुम किसी दिन कोचिंग नहीं गए और तुम्हारा वो छूट गया, तो क्या आप उसको कवर कर पाओगे, फिर कभी नहीं कर पाओगे। इसमें आपका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आप ईच एंड एवरी टॉपिक जो है अपना क्लियर कर सकते हो। ये तुम्हें नेट के लिए ही काम में नहीं आएगा, कल तुम कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हो या फिर कहीं पे टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई को तुम कोचिंग ओपन कर रहे हो, तो वहां पे हर जगह तुम्हारे पास में जो है ये टॉपिक सारे काम में आएंगे, ओके। तो टॉपिक्स सब्जेक्ट्स अपन सारे पढ़ेंगे, नो के नो सब्जेक्ट्स। अच्छा, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए ऐसा नहीं कि अपन 4-5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, नो के नो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, और नो के नो सब्जेक्ट्स में मैं कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, सिलेक्टेड टॉपिक्स, वो आपको अच्छे से करके जाने हैं। टॉपिक्स तो अपन सारे पढ़ेंगे लेकिन वो टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं, ओके। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में आपका टॉपिक कोई भी नहीं छूटेगा, सबसे बड़ी बात, आप सुबह दोपहर शाम रात जब आप देखना चाहो तब आप देख सकते हैं उन लेक्चर्स को, एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार देख सकते हैं। वैलिडिटी जो रहेगी इनकी जून 2021 तक इनकी वैलिडिटी रहेगी आपके पास में, ठीक है। इसके अलावा डाउट कैसे क्लियर करेंगे, डाउट आपके पास में मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है मैं बता दूं आपको, व्हाट्सएप नंबर जो है मेरे 9001273960, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, ओके, यही मेरे फोन नंबर है, आप इन पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, है ना, अपने जो भी डाउट्स है वो क्लियर कीजिए। इसके अलावा अपना जो ग्रुप बना हुआ है एक्सप्लोर फिजिक्स का, वहां पे अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, वहां पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा, ठीक है, पर वीक तुम्हारे पास जो है एक तुम्हारे पास में जो है लाइव क्लास होगी, ठीक है, जो कि तुम्हारे पास में डाउट सेशन वाली होगी, ठीक है, डाउट सेशन के लिए होगी लाइव क्लास, ओके। इसके अलावा तुम्हारे पास गूगल मीट से मैं मीटिंग भी लूंगा, जिससे तुम्हें बताऊंगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है, क्या पूरा तुम्हारे पास में प्रोसेस रहेगा, किस तरह से मैं लेक्चर में भी बताता हूं, हर लेक्चर में कैसे तुम्हारे पास जो है नोट्स बनाने हैं, प्रॉपर नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
अभी काफी स्टूडेंट्स को पता लग गया होगा शॉर्ट नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं कोई भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर वे के अंदर अपना चलेगा, टेस्ट भी होंगे प्रॉपर वे में, ठीक है। ये मान के चलिए कि 1 महीने में तुम्हारे 7 से 8 तो टेस्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। ये तो कंपलसरी, इतने टेस्ट तो तुम्हारे पास में होंगे ही होंगे, ठीक है। फीस जो है तुम्हारे पास, मैंने ऑलरेडी बता चुकी है, एक लेक्चर में बता चुका हूं, बना चुका हूं, 21,500 पर, है ना। ये तुम्हारे पास में वन टाइम तुम्हारे पास जो फीस है 21,500 है, ठीक है। अगर आप दो इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो तुम्हारे पास ये 23,000 है, ठीक है। पहले तुम्हें 12,000 देना होगा, आफ्टर 1 month 11,000 देना होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास फी का रहेगा, ओके। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकता है, यही मेरे फोन पे नंबर है, ठीक है। फोन पे नंबर भी यही है। अगर कोई सेटिस्फाइड है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं करना, इस फोन पे नंबर पे आप पेमेंट करेंगे, ओके। इसका स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, ओके। उसके बाद भी अपने 4 बेसिक इंफॉर्मेशन, आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी एंड आपका एड्रेस, ये मुझे 4 बेसिक इंफॉर्मेशन ये सेंड करेंगे। इसके अलावा आपका स्क्रीनशॉट, जो आपका पेमेंट हो जाता है उसका स्क्रीनशॉट, ये 5 मुझे इंफॉर्मेशन सेंड करना होगा आफ्टर फोन पे पेमेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं इनको गूगल पे करना है, पेटीएम करना है, या उनको अकाउंट नंबर चाहिए, वो मुझे इस पे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको अकाउंट नंबर वगैरह को सेंड कर दूंगा, ठीक है। फीस कम के लिए मत बोलना ऑलरेडी। अगर आपको ये कंटेंट जो मैं दे रहा हूं, ठीक है, जो टेस्ट करवा रहा हूं, जो मैं इंटरव्यू के लेक्चर बना रहा हूं, ये कंटेंट आपको और कहीं पे मिलता है इससे कम फीस में, तो आप वहां पे ज्वाइन कीजिए, मुझे ज्वाइन मत कीजिए, ओके। बहुत सारी इंडिया में कोचिंग है, आपको लगता है कि बहुत बड़ी कोचिंग है, वहां पे अगर 25,000 30,000 फीस ले रहे हैं, या अब वो कम करके 22,000 23,000 उन्होंने कर दी, तो आप वहां पे ज्वाइन कीजिए, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार नहीं आएगी। लेकिन अपना जो कंटेंट है, ठीक है, इस कंटेंट के साथ यही फीस तुम्हारे पास में रहेगी, ओके। फिर भी किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे इस पे कॉल कर सकते हैं, ओके। इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पे कॉल कर सकते हैं, ओके। चलिए, तो आज का तुम्हारे पास में लेक्चर इतना ही रहेगा, ओके। दोबारा बोल रहा हूं, मुझे ज्वाइन करने से पहले ये ध्यान रखना है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा करना होगा, मुझे मेरा रिजल्ट खराब नहीं करना है, ठीक है। मैं चाहता हूं जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, उन सबका सिलेक्शन हो, ओके। ऐसा तो बोलते हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है, अगर आप जैसा कहो, जैसा मैं कहूंगा वैसे आप करोगे तो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और नेट के एग्जाम पे ही फोकस नहीं रहेगा, हाँ, ठीक है, अपना जो कोर्स है वो नेट का एग्जाम का कोर्स है, लेकिन ये जो पूरा जो सिलेबस है, फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर ये पूरा कंटेंट आप जो पढ़ते हैं, अगर फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस कंटेंट के साथ में, ठीक है। जैसे मैंने आप नेट का पैटर्न बताया है, वैसे ही गेट का पैटर्न, वैसे ही बीएआरसी का पैटर्न जो है, मैं आपको वेबसाइट में आपको लेक्चर बता दूंगा, मिल जाएगा वहां पे, उसका पैटर्न जो भी है वो मैं बता दूंगा, ओके। तो चलिए, आज के लेक्चर में तुम्हारे पास में इतना ही है। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, अच्छा, किसी को इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेनी है, तो मैं बता चुका हूं पहले ही, अगर क्वांटम मैकेनिक्स लोगे तो तुम्हारा 5,000 लगेगा, और जितने भी सब्जेक्ट्स है क्वांटम मैकेनिक्स के अलावा तुम्हारे 4,000 लगेंगे, ओके। तो वो आप जैसा भी है मुझे व्हाट्सअप करके बता देना, जो भी सब्जेक्ट लेना है वो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। वैसे तो मैं ईच जितने भी सब्जेक्ट है उन सबके टॉपिक्स बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स करवा रखे हैं, है ना। उसके बाद से आप अपना ईच सब्जेक्ट, मतलब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, ओके। चलिए, और कुछ पूछना है तो मुझे बताना है आपको, ठीक है ना। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वैसे टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ओके। तो चलिए, अपने पास ये रहेगा पूरा पैटर्न, पेपर पैटर्न बताया, और ऑनलाइन कोर्स कल से तुम्हारी बिल्कुल श्री गणेशाय नमः हो जाएगा, स्टार्ट सब कुछ हो जाएगा अपना। दो सब्जेक्ट पहले पैरेलल में चलेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, तुम्हारा जो कोर्स है, एनी हाउ कोशिश करेंगे अप्रैल लास्ट तक तुम्हारा कोर्स हो जाए, इसलिए मैंने 1 महीने पहले जो है इस बार कोर्स स्टार्ट किया है, ठीक है। अप्रैल तक कोर्स हो जाएगा, उसके बाद में अपन पूरा प्रॉपर जो है रिविजन कर पाएंगे, तभी अपना जो है ये मान के चलो एग्जाम क्वालिफाई नहीं, अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई होगा, ओके। चलो, आज के लेक्चर में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच भाई, है ना। जय श्री श्याम।